आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 18 जून के ईश्वर वरदान की। इस वरदान में एक बहुत ही कीमती शब्द परमात्मा ने यूज किया है, और अगर इस शब्द को हम पकड़ करके चले आगे तो हमारे जीवन की हर प्रॉब्लम, हर मुश्किल हमें क्लियर दिखेगी। वो मुश्किल नहीं दिखेगी, एक्चुअली उसमें सोल्यूशन दिखने शुरू हो जाएंगे। हम जो सुने थे, जो सुन रहे थे और जो सुनने वाले हैं, उन सब चीजों में हम निचोड़ पकड़ पाएंगे, उसमें हम सोल्यूशन पकड़ पाएंगे। और जो माया, चाहे वो हमारे अंदर की हो चाहे किसी और के अंदर की हो, जो इन्फॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश कर रही है, जो चीज़ छुपा रही है, वो भी बिल्कुल आंखों के समझ सामने आकर के समझ आनी शुरू होगी। देखें, आज परमात्मा के अपने शब्दों में, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर, परतंत्रता, स्वतंत्र मतलब कि अपने ऊपर ही कंट्रोल, परतंत्र मतलब औरों का हमारे ऊपर कंट्रोल, सिचुएशंस का हमारे ऊपर कंट्रोल, व्यक्तियों के रिएक्शंस का, व्यक्तियों के बिहेवियर का हमारे ऊपर कंट्रोल, व्यक्तियों के वर्ड्स का हमारे ऊपर कंट्रोल, दुनिया की हालत का हमारे ऊपर कंट्रोल, के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। स्वतंत्र मतलब कि अपने ही मन, बुद्धि, संस्कार, जो भी हमारे मन के अंदर है, इन सब के ऊपर हमारा अपना ही कंट्रोल हो। पर तंत्रता का बंधन अपने ही मन को व्यर्थ कमजोर संकल्प की जाल है। पर तंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। परतंत्र मतलब, जैसे आपने समझा, बाहर की बातें, बाहर की चीजें, बाहर के लोग, बाहर की सिचुएशंस हमें असर कर रही हैं। परतंत्र, परे, हमसे परे जो चीज है, यह जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। इसको समझने का कैसे तरीका है, ये क्वेश्चंस बहुत लेके आती है। जब क्वेश्चन उठता है, पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे, वो ऐसे तो नहीं हमारे साथ में व्यवहार करेंगे, ऐसे तो नहीं कहीं वो चालाकी दिखाएंगे, चालूपंती करेंगे, तो ये सब क्या होता है, जाल बन जाती है। तो परमात्मा कहते हैं ये जाल हम ही क्रिएट करते हैं, और इसकी वाइब्रेशंस चारों तरफ बाहर फैलती हैं, और वही चीज तरंगे वापस आती हैं। तो हमें चेंज क्या करना है, हमें वो क्वेश्चंस को हटा देना है। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो, एक ही समर्थ संकल्प, वो जो बात कर रहे थे, एक शब्द, एक ही समर्थ संकल्प, चाहे 10,000 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उसके सामने एक ये जो है समर्थ संकल्प, ब्रह्मास्त्र, ये सारे के सारे तीरों को, नेगेटिव बातों को खत्म कर देगा। तो परमात्मा कहते हैं लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वो कल्याणकारी होगा, जो होगा वो कल्याणकारी होगा। ये सोचना ही हमें हल्का कर देता है। हम क्यों गलत हो सकता है, कैसे गलत हो सकता है, ऐसे हो सकता है, प्रॉब्लम हमारा सारा फोकस शिफ्ट कर देता है, क्योंकि हम सारे टाइम पर कैसे खराब हो जाएगा, कैसे कोई हमें ठग लेगा, कैसे कोई हमें बेवकूफ बना देगा, कैसे कोई हमें बुद्धू बना देगा, कैसे कोई हमें गलत रास्ते पर ले जाएगा, कैसे कोई हमसे कोई छीन लेगा, हमारे सारा संकल्प इन चीजों पर होता है। और केवल एक संकल्प हमारा श्रेष्ठ संकल्प, जो होगा वह कल्याणकारी होगा। इमीडिएटली हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाते रहते हैं, यू टर्न करके बिल्कुल यू टर्न में रहते हैं, हमारा नजरिया बदल जाता है। श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा और अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से, जाल के जाल से को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त, इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो, यही संकल्प कि जो होगा कल्याणकारी होगा, अच्छे से अच्छा होगा, उत्तम से उत्तम होगा, महान से महान होगा। समर संकल्पों के जालों को काट दो, इससे को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। जब भी क्वेश्चन आए, क्यों, कौन होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, इमीडिएटली जो होगा बहुत कल्याणकारी होगा, बहुत बढ़िया होगा, बहुत ही आसानी से होगा, बहुत ही मजे से होगा, हंसते खेलते सब समझ जाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा, सब पर्दाफाश हो जाएगा, सब दूध का दूध पानी हो जाएगा, सामने सब कुछ आ जाएगा क्लियर करके। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने इस श्रेष्ठ संकल्प को फील करें, और ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम्स की जगहें दिखनी शुरू हो जाएंगी, सॉल्यूशंस। यही एक तरीका, एक सेकंड सब कल्याणकारी होगा, एक सेकंड में आप संकल्प दे सकता है आपके मन से कल्याणकारी। सोचिएगा, इस समय सोचिए, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको काटिए इस तलवार से, सब कल्याणकारी होगा, सब कल्याणकारी होगा, सब अच्छे से होगा, सब अच्छे से होगा, काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए, और अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने जोश को, अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाइए। और देखिए, आपकी छठी इंद्री मतलब कि आप आत्मा,
अंतर जगत से आप प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालेंगे। आपको आंखों से देख करके सोल्यूशन नहीं निकालना पड़ेगा, कानों से सुन करके सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आप कैच कर लेंगे, आप जो गुप्त शब्द हैं उनको कैच करेंगे, पकड़ेंगे, और यही तरीका आगे बढ़ने का। ओम शांति इसके साथ।